स्वागत आप सभी का लपेटे में नेताजी में। जी हाँ, एग्जिट पोल के बाद कवियों से कहा गया कि एग्जिट पोल के हिसाब से कविता लिखी जाए, तो उन्होंने कहा कि अब तो एग्जिट पोल ही कवियों के हिसाब से आ रहे हैं, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा कि इधर के हैं कि उधर के हैं। स्वागत करेंगे, बीजेपी से हमारे साथ मौजूद है राजीव जेटली जी, कांग्रेस से आलोक शर्मा जी, लपेटे में लेंगे एक तरफ अजय अंजाम, विनीत पांडे और अनिल अग्रवंशी, दूसरी तरफ सरदार प्रताप फौजदार, गौरव चौहान और नीर गोरखपुरी। जेटली जी, मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं आपकी तरफ हूं। एमपी से शुरू होता हूं सर। शर्मा जी सावधान, बड़े बड़े बिगड़ेल भाजपा ने नाथ दिए, कांग्रेस सावधान वे नाथ लेके आ गए, और तीन को बजेगा कांग्रेसियों का बैंड, क्योंकि तीन को बजेगा कांग्रेसियों का बैंड क्योंकि भाजपा ही फिर से बारात लेके आ गए। क्या बात है, ये एमपी की बात हो रही है सर कि 450 की गैस एमपी में दिया है ना भाजपा ने, 450 की गैस, तेल और शक्कर मुफ्त, एयरपोर्ट मेट्रो की सौगात लेके आ गए। एयरपोर्ट और अब हंगामा होना चाहिए सही। और सुनो बहनों, एमपी वाली बहनों, के 450 की गैस, तेल और शक्कर मुफ्त, एयरपोर्ट मेट्रो की सौगात लेके आ गए। और एमपी की बहनों, गाओ अब मंगल गीत, शिवराज मामा फिर भात लेके आ गए। गाड़ी कांग्रेस की घिसट के चल रही थी राजस्थान में, गाड़ी कांग्रेस की घिसट के चल रही थी, ऐसा लगता है अब बैक कर लिया है। कांग्रेस लीक के भरोसे बैठी रही, किंतु पेपर तो भाजपा ने क्रैक कर लिया है। बड़ी लीक हुई तुम्हारे यहाँ, पेपर बहुत लीक हुए थे तुम्हारे यहाँ। क्या चुनावी गणित सूरमाओं ने समझ लिया, एग्जिट पोल को भी चेक कर लिया है, पायलट तीन को करेगा टेक ऑफ और गहलोत ने भी बैग पैक कर लिया है। अभी और ही स्टेट हैं, एक मैं नहीं जीतने दूंगा, कुछ भी कर लो। क्या किसी वक्त लाखों में थी कीमत, परंतु अब पूछ नहीं रहा कोई इन्हें चारे आने में, पूछ नहीं रहा कोई इन्हें चारे आने में, और 24 की कीमत कहां से पूरी होगी जब, 24 की कीमत कहां से पूरी होगी जब कांग्रेस डूब गई 23 के बयाने में। केसीआर का है खेल कांग्रेस फिर फेल, वो केसीआर का है खेल कांग्रेस फिर फेल, हाथ का निकल गया तेल तेलंगाना में। भारत में वोटों वाला अब समझ जाते ताली, भारत में वोटों वाला घान उतरेगा नहीं, जाकर चुनाव लड़ो अफ्रीका के घाना में। अफ्रीका, अब ये लास्ट और है, फिर इसके बाद रिजल्ट लेके घर जाना। क्या मिजोरम में कांग्रेस का तो कोई जोर नहीं, मिजोरम में कांग्रेस का तो कोई जोर नहीं, एग्जिट पोल में रखोगे या हटाएंगे, और 36 का आंकड़ा बन गया है वोटरों से, छत्तीसगढ़ जीतने को कैसे पटाएंगे।
सुन लो, मैं बता रहा हूँ आपको कि और तो किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, देव ने बढ़ाया तुम्हें देव ही घटाएंगे। देव ने बढ़ाया तुम्हें देव, बता रहा हूँ कौन, देव ने बढ़ाया तुम्हें देव ही घटाएंगे। और पहले तो एप महादेव ही समेट देगा, और बच गए तो टी एस देव ने बटाएंगे। बिल्कुल चिंता मत करना, जब तक ये बैठे हैं कांग्रेस को आने नहीं देंगे, और जब तक मैं बैठा हूं कांग्रेस को जाने नहीं दूंगा। क्या बात है ये। अब ये देखना है दम किस में था, सुनिएगा साहब। के देश में फिर से अरे छा गया पंजाब, अरे देश में फिर से अरे छा गया पंजाब, अरे चारों तरफ ही हजी आ गया पंजाब। ओ इस बार जनता ने वो मेरे प्यार को समझा, देश में फिर से अरे आ गया पंजाब। आ गया, मान लिया। हाँ सुनो, बीजेपी का जादू उतरने लगा, हर एक आदमी अब समझने लगा। क्या के बीजेपी ना लाएंगे, फूल ना खिलाएंगे, बहुमत फिर से अरे पा गया पंजाब, अरे बहुमत फिर से कोई पा गया पंजाब, अरे देश में फिर से अरे छा गया पंजाब। बहुत हो चुका अब सहेंगे नहीं, वोट से लेंगे बदला कहेंगे नहीं। अरे नहीं तानाशाही है कहीं महंगाई है, कहीं तानाशाही है कहीं महंगाई है, इन पे जुलम सारे ढा गया पंजाब, हर देश में फिर से कोई आ गया पंजाब। और अंतिम सुनो, एक बात और बता रहा हूं, जो पूरी धर्म राजनीति की लड़ाई होती है अब पब्लिक समझ चुकी है, सुनिएगा सर। देश दंगों से मेरा जलेगा नहीं, जो तोड़े वो नारा चलेगा नहीं। अरे लोग सब जान गए, लोग सब जान गए, इन्हें पहचान गए फिर जनता को, अरे भा गया पंजाब, अरे देश में फिर से कोई आ गया पंजाब। इस बार जनता ने वो मेरे प्यार को समझा, फिर ये जमाना। जो हमारे 41 मजदूर थे कैसे वो बचे और क्या हाथ की ताकत है, सुनिएगा सर। आलोक जी आपका उत्साह थोड़ा कम है, आपके पॉजिटिव में है, जरा थोड़ा सा उत्साह दिखाइएगा। आपको जिता रहे हैं इस बार आप। वो खूब समझ रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। के डूबते को किनारा दिया है वहां, खुशनुमा एक नजारा दिया है वहां, जब मशीनें वहां फेल होने लगी, हाथ ने ही सहारा दिया है वहां, हाथ ने ही सहारा दिया है वहां। और अभी बता रहे एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं कांग्रेस कम आ रही है, ये आ रही है। चार पंक्तियां पढ़ता हूं। के फूल की खुशबू अब ये यूं ढल जाएगी, पंजे की ये हवा फिर से चल जाएगी, सीटें अपनी अभी कुछ बताते रहो, पोल की पोल जल्दी से खुल जाएगी, पोल की पोल जल्दी। Thank you.
कौन से वाले एग्जिट पोल ठीक लग रहे हैं आपको, इधर वाले या इधर वाले? मैंने आज एक सुबह ही पोल देखा जिसमें बताया कि बड़े सारे देश के एक्सपर्ट बैठे, उन्होंने कहा भारत की विकास दर 6.7 रहने वाली है, लेकिन वो ऐसा एक पोल निकल करके आया वो सारे एक्सपर्ट धराशायी रह गए और वो 6.7 से विकास दर बढ़ के भारत की 7.6 हो गई। तो जब भारत को बढ़ते हुए कोई नहीं रोक सकता तो भाजपा को किसी प्रदेश में कैसे रोका जा सकता है, सोचिए। तो जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उस पोल के अंदर और फिगर दौड़ते चले जाइए, और ऐसा ही कहीं ना कहीं परिणाम आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और छत्तीसगढ़ में। आप कल्पना करिए, कभी नीचे कभी आप देखेंगे गौ माता, कहीं बैल देखेंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं कांग्रेसियों का दिमाग। उन्होंने गौ माता के गोवर्धन मतलब उपलों से मतलब गोबर में भी 1300 करोड़ का घोटाला कर डाला। तो जिस प्रदेश के अंदर गोबर में भी घोटाला ढूंढ लिया जाएगा, आपको लगता है वहाँ पर वो सरकार रह पाएगी? तो अभी तो आपने बताया लॉटरी, अरे लॉटरी नहीं तो गोबर में भी ढूंढा इन्होंने। तो ये एक्सपर्टीज जिस प्रदेश में जिस राजनीतिक पार्टी के पास होगी, उस राजनीतिक पार्टी के प्रदेश के अंदर जनता उस भारत की विकास दर को देखेगी जो 7.6 चल रही है। तो आप ये करते हैं, हम आप तीन जीत रहे हम नहीं, हम तो कहते हैं डिस्कशन ही आपकी वहां से शुरू होनी चाहिए कि हमारे प्रदेश में ओथ कौन कौन लेगा। आप मुझे लगता है आप अच्छा बताइए फिर कौन, अच्छा कौन ले रहा छत्तीसगढ़ जी, मुख्यमंत्री कौन? मैंने तो आपसे कहा अब चर्चा तो इस बात की होगी कि भाजपा का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुझे लगता है आपको लपेटे में नेताजी का जो सम्मेलन था इसी पे रखना चाहिए था। एग्जिट पोल के रिजल्ट तो आपको भी मालूम है, भारतीय जनता पार्टी तीनों प्रदेशों में सरकार बनाने जा रही है, दो और भी तो है, और तेलंगाना के अंदर हम मजबूती से आगे आने वाले। आप पांचों में? नहीं, मुझे लगता है चार राज्यों में हमारी सरकार आएगी। मध्य प्रदेश नहीं आ रही, पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। हम मिजोरम में वहाँ का क्षेत्रीय दल एक काफ़ी मजबूती से उभरा है, जो मणिपुर के दंगों के बाद से सामने आया था। 5-6 छोटे समूह थे, उन्होंने मिलकर एक क्षेत्रीय दल बनाया और उसका ऐसा अंदेशा लग रहा है कि काफ़ी मजबूती से आएगा। वहाँ पर मिजोरम में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, लेकिन हम भी शायद सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। बाकी जो चार राज्य हैं, वो चार राज्य जो हैं उसके अंदर इस बार मैं चारों राज्यों में रहा, धर्म की राजनीति नहीं चली, बांटने की राजनीति नहीं चली। लोगों ने कहा अच्छे दिन अब आने चाहिए, बहुत दिन हो गए जुमलों के दिन, अब अच्छे दिन आने चाहिए, और इन पाँच राज्यों से ही अच्छे दिन, देश के अच्छे दिन शुरुआत होते हुए नज़र आ रहे हैं।